टीवी देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट मिलान को लेकर अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ईवीएम सुरक्षित है और वीवीपैट पर चुनाव का पूरा दौर वापस नहीं आ सकता सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है वीवीपैट से जुड़े 100 पर्ची मिलान की याचिका को भी खारिज किया गया है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि डेटा को 45 दिन तक सुरक्षित रखना होगा अगर चुनाव के सात दिन के भीतर कोई कंप्लेन आता है तो उस पर जांच की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लग गया है तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा बताएंगे आपको मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो विपक्षी पार्टियां वो तथा कथित इंडी गठबंधन वाले सबका मुंह काला हो गया ये जो नौसिखिए कुछ पैदा हो गए हैं धूप राठी जैसे लोग उनका भी मुंह काला हो गया ये दलाल पत्रकार जो टेलीविजन इंडस्ट्री से भगा दिए गए जिनकी क्रेडिबिलिटी नगण्य शून्य के बराबर हो गई है ये अजीत अंजुम तो पुनप्रसन्न वाजपेयी अभिसार शर्मा इस तरह के लोग रविश कुमार जैसे लोग इनको आज अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए और अपने बारे में कुछ सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि आप किस तरीके से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के पूरे प्रोसेस के ऊपर आप सवाल उठा रहे थे उसको बदनाम कर रहे थे पूरी इलेक्शन के सिस्टम को ही हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में आप एक इस रूप में पेश कर रहे थे कि यहाँ सब कुछ क्या है फिक्स्ड मैच है यही राहुल गांधी कह रहे थे ये हारते हैं जब छटपटाते हैं अखिलेश यादव तो वो कहते हैं कि भाई ईवीएम की वजह से हार गए फिर वो कहते हैं वो ये जो तिहाड़ी है अपना जेल के अंदर जो सड़ रहा है केजरीवाल वो तो असेंबली के अंदर और उसका अचानक से जो इंजीनियर मंत्री सौरभ भारद्वाज ये सब झूठे मक्कार किस्म के लोग ये असेंबली के अंदर पता नहीं कौन सा चांदनी चौक से कोई डब्बा खरीद के लेके आते हैं और ये पूरा का पूरा प्रदर्शन दिखाते हैं कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है और उसके लिए खड़ा कौन होता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग का वकील प्रशांत भूषण या कपिल सिब्बल कि लॉर्ड वापस कागज वाले पे ही बैलेट बॉक्स के ऊपर ही चलते हैं है? लूट मचा सको गुंडागर्दी कर सको इस वजह से तो आज इन सब लोगों का मुंह काला हुआ है हिंदुस्तान जीता और दलाल हार गए ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट है अब क्या हुआ क्या मांगे थी इनकी इनकी मांगे थी कि Lord, ये मैनिपुलेटिव है मैनिपुलेट किया जा सकता है भाई इतनी जगह चैलेंज किया गया कि भाई मैनिपुलेट करके दिखा दो कोई मैनिपुलेट कर पाया नहीं कर पाया लेकिन फिर भी शक का इलाज क्या करे शक का इलाज क्या करे आपको तो हार क्या बहाना ढूंढना है जी। मतलब ये बेहूदगी समझ में नहीं आती इन लोगों की कि भाई पंजाब में बीजेपी हार जाए तो ईवीएम ठीक हिमाचल में हार जाए तो ईवीएम ठीक कर्नाटक में हार जाए तो ईवीएम ठीक दिल्ली में हार जाए बीजेपी असेंबली इलेक्शन तो ईवीएम ठीक ममता बनर्जी जीत जाए तो ईवीएम ठीक लेकिन अगर राजस्थान में बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है तो ये मकार किस्म के लोग हैं ये लोग हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं और इसलिए ये पूरा प्रपंच सुप्रीम कोर्ट में किया गया लेकिन लेट दिस बी द फाइनल वन लेकिन इनकी आदत है मैं बार बार कहता हूं बोलने में अच्छा नहीं लगता लेकिन इस तरीके से ये हिंदुस्तान का अपमान करते हैं कि रहे कहे बिना मान, मानता ही नहीं है कि कुछ जानवरों की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है यह फिर पांच दिन के बाद इलेक्शन के बाद फिर कहेंगे देखिए ईवीएम की वजह से हो गया आप एक सवाल पूछा गया एक सवाल पूछा गया प्रशांत भूषण और उसके पूरे चट्टे बट्टों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यह बताओ यह जो पांच परसेंट EVMs की जो गिनती होती है वीवीपैट से मिलान किया जाता है कि जो चिट निकलता है उसमें अब तक कितनी गड़बड़ियां आई, तो तो आई है तो भाई गड़बड़ी नहीं, तो नहीं है तो घर जाओ क्यों तमाशा कर रहे हो नहीं उसमें भी मैनिपुलेट किया जा सकता है तो तमाम चीजों को देखते हुए एक तो कि वापस बैलेट बॉक्स से अब देखिए ये राहुल गांधी राजनीति का नोविस पता नहीं कौन आदमी कान में इसके क्या बोल देता है क्या क्या बकबक करने लगता है ये ये कह रहा था क्या ये कह रहे थे कि इलेक्शन तो पहले से फिक्स्ड मैच है तो क्यों खेल रहे हो मैच फिक्स तो क्यों खेलो इनका इशारा यही जब चुनाव हारेंगे तो फिर यही कहेंगे कि ईवीएम की वजह से हार गए जैसे बाकी जो एक होता है ना कि बैड लूजर्स दे आर लूजर्स बट बैड वन तो ये इलेक्शन के इस प्रोसेस के ऊपर जब सवाल उठाया गया तो जज साहब ने परसों ही पूछा था कहा था कि भाई देखिए हम लोग अपने में इतनी उम्र हो गई है हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब बैलेट बॉक्स के ऊपर और किस तरह से धांधली होती थी दुनिया आगे बढ़ रही है और ये हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तो मामला वो खत्म हुआ खारिज हो गया कि कोई बैलेट पे नहीं होगा जो होगा अब ईवीएम के ऊपर ही होगा ये सदा के लिए ये मसला खत्म टू ये लोग फिर ये कह रहे थे कि भाई अच्छा ठीक है ईवीएम से अगर कर करवाते हैं तो एक काम कीजिए जो वीवीपैट निकलता है उस सब की काउंटिंग हो जाए मतलब बैलेट बॉक्स की तरह ही फिर काउंटिंग होगी तो उसने कहा कि भाई इसमें तो बहुत समय लग जाएगा सात आठ दिन लग जाएगा अगर हम वी वी को जो है अगर सबको काउंटिंग करना शुरू करें तो इसी पे जज ने पूछा कि अब तक जितनी जो काउंटिंग हुई है उसमें कोई मिसमैच हुआ है बोला बहुत पहले एक जगह हुआ था वो उसका कोई दूसरा टेक्निकल रीजन था उसके बाद कभी ये मिस्टेक नहीं हुआ मतलब लाखों वी पैट को काउंट किया गया है अब तक जब से ये वी पैट आया है लेकिन एक भी उसमें गलती नहीं निकली और ये लोग गलती दिखा नहीं सके फिर भी इनको जो है ये प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें हुई जज साहब ने कहा कि भाई जैसे चल रहा है वो बेस्ट सिस्टम है और आप जो एक एग्जाम्पल देते हो कि भाई स्विट्जरलैंड में ऐसे हो गया तो यूके में ऐसे हो गया तो जज साहब ने कहा कि भाई उसके पॉपुलेशन को उसके प्रोपोर्शन को आपने देखा है कि वो कितना है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इतने वोट तो पूरे यूरोप में नहीं पड़ता जितना जो है हिंदुस्तान के अंदर वोट पड़ता है और आप जो है छोटे से तो ये सारी बातें हुई और जज ने इन लोगों के याचिका को रद्द कर दिया लेकिन कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि जो याचिका के जरिए मांग की गई थी कि 100 परसेंट मिलान हो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दो पांच दस परसेंट की भी बात कही जाती या कुछ टिप्पणी आ जाती तो विपक्षी पार्टियों को तो मौका मिलता बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि ये लोग एक लाइन ही ढूंढ रहे थे सबसे बड़ी चीज क्या हुई है कि जो जजेस जो हैं उसमें कोई मतभेद नहीं ये लोग इतने शातिर हैं और इनका मीडिया का प्रपंच इतना शातिर है कि जो फैसला होता उस फैसले के ऊपर फिर नहीं करते जो डिसेंट नोट होता जो जरासी भी ई के ऊपर कोई गलती से भी कोई टिप्पणी कर दी गई होती वो पूछ पकड़ करके जो है ना पूरा कहानी बनाना शुरू कर दिए होते लेकिन उसका भी मौका सुप्रीम कोर्ट ने इन दलालों को नहीं दिया ये ऐसी बातें कहनी पड़ती है क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करने में जुटे हुए हैं पूरे दु, पूरी दुनिया में देखिए आप देखिए इधर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उधर न्यूयॉर्क टाइम्स में वाशिंगटन पोस्ट में इंडियन मैंने इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वहाँ ई ठीक नहीं है वहाँ पे मैनिपुलेशन हो जाता है तानाशाही हो जाती है और ये कह रहे हैं भाई कोई विपक्षी पार्टी भाई तो पुटिन की तरह होता है यहाँ इलेक्शन ये आप ये समझिए कि किस तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का डंका बजना चाहिए ये इनके ध्यान में आता ही नहीं है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कैसे बदनाम हो उसके लिए किस तरह से कोर्ट का इस्तेमाल किया जाए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जाए मीडिया का इस्तेमाल किया जाए बस इनका ध्यान उसी पे होता है तो जो आपने सवाल किया कि अगर गलती से एक सेंटेंस भी ईवीएम के खिलाफ जजमेंट में आ गया होता अभी हेडलाइंस कुछ और चल रहा होता फैसला क्या हुआ उससे पीछे नहीं जाते लेकिन एक जज ने कमेंट कर दिया तो उसके पीछे चले गए होते जज ने बहुत ही सभ्य तरीके से बहुत ही सभ्य तरीके से तरीक, लैंग्वेज में जो है इन लोगों को अंधा बता दिया क्या कहा कोर्ट ने कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना सही नहीं है यू आर ब्लाइंड ब्लाइंड ये सिस्टम के प्रति नहीं है ये हिंदुस्तान के प्रति है हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है इनको मिर्ची लग रही है हिंदुस्तान का नाम हो रहा है इनको मिर्ची लग रही है हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिकली भी डिफेंस वाइज भी इसकी साख बढ़ रही है इनको मिर्ची लग रही है भाई तुम हिंदुस्तान के पक्ष में बात करने के लिए हिंदुस्तानी हो या फिर चीन की दलाली करने के लिए तुम लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ जो है प्रपंच और प्रोपोगेंडा करते हो तो आगे आखिर क्यों देश आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है ये पुराने दौर में क्यों जाना चाहते हैं बीवी पुराने दौर में माल कमाते थे ये लोग पुराने दौर में आप देखिए इस बार मीडिया भी देखिए क्या है धीरे 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 सब कुछ जो वो जमाना चला गया ना भाई जब मीडिया वाले फार्म हाउस खरीदते थे लुटियन जोन में घर रहता था अभी जो है ददर की ठोकरे खा रहे समय बदल रहा है सिस्टम बदल रहा है ये लोग वही पुराना सब मठाधीश लोग बैठे हुए हैं सब मठाधीश लोग खानदानी चोर ये सारे लोग इन लोगों का पूरा वर्चस्व टूटा है एक गरीब परिवार का व्यक्ति शीर्ष पे आकर के बैठ गया है एक ओबीसी आकर के बैठ गया है इनके पेट में इसी वजह से दर्द हो रही है कि इनका जो पुराना जो उनका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था खाने पीने लूट मचाने का वो खत्म हो गया अदरवाइज अगर वही सिस्टम चल रहा होता तो आप देखिए कि नए नए लोग अभी आप देखिए कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, भाई कितने पत्रकारों को मिल रहा है पद्मश्री कितने वकीलों को मिल रहा है पद्मश्री कितने दलालों को मिल रहा है तो पहले क्या होता था पहले एक इलीट वर्ग था लुटियन जोन का वो पूरे देश के बारे में सब कुछ तय किया करता था वो शक्तिविहीन हो गए हैं दंतहीन हो गए हैं तो इसलिए इनको मिर्ची लग रही है अभी देखिए इन लोगों को नाम भी नहीं मालूम होता है किसी गांव से कोई महिला जो 20 साल 30 साल से अथक एक काम कर रही है शरीर पे उसके ढंग का कपड़ा तक नहीं है उसको पद्मश्री मिल रहा है यही तो दिक्कत है इन लोगों को यही तो परेशानी है कि हिंदुस्तान बदल रहा है लेकिन ये हैं कि ये सुधरने का नाम नहीं ले धन्यवाद सर जानकारी के लिए तो आज देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट मिलान को लेकर अपना फैसला सुना दिया इस पूरे मसले को लेकर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चल रही थी और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह अपना बड़ा फैसला सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईवीएम सुरक्षित है जिससे विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगा है इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी